पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज शाम के समय के लिए, आपके हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे धन्यवाद देते हैं प्रभु। शायद हमें लगे कि प्रभु हमने ये निर्णय लिया यहाँ आने के लिए, लेकिन आपका वचन ये कहता है कि जब तक पिता नहीं खींचता है कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता है। हमारा वो ख्वाहिश, हमारा ये समय, अगर हम खाली भी थे और बस इसलिए आए क्योंकि आज छुट्टी और आज समय था, प्रभु आपने हमारा दिन को खाली किया प्रभु ताकि हम यहाँ पे आज पाए जा सकें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस वजह के लिए आप हमें यहाँ भेजे हैं, बस वो वजह तो प्रभु अभी बस शुरू हुआ है प्रभु यहाँ आके, और इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय को आप खोलिए प्रभु, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को आप उंडेलिए, समझ की आँखों और कानों को खोलिए कि हम अपना बुलाहट, ऊँची बुलाहट को जान पाए, आपको जान पाए, और प्रिय प्रभु आपके साथ हम चल पाए। धन्यवाद प्रभु यहाँ पे हर एक के लिए, आप हर एक से प्रेम करते हैं और आपका प्रेम का गहराई हम जान पाए, आपका अनुग्रह का समाचार हम सुन पाए, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। हम लोग यहाँ पे दानियल के पुस्तक के विषय में पढ़ रहे हैं एंड हम लोग दानियल का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं एंड आज हम लोग तीसरा पद से पाँचवीं पद तक जाएंगे। अगर आपको पिछले का स्टडीज़, क्योंकि आज फोर्थ, यू कैन से इट फोर्थ सर्मन, फोर्थ एपिसोड है डैनियल का, एंड अगर आपको पिछला तीन एपिसोड सुनना है, सर्मन सुनना है, तो आप यूट्यूब में जीटीसी झारखंड, दैट इज़ द यूट्यूब चैनल, एंड वहाँ पे आपको मिल सकता है। ओके, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्फनस को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठ पुरुषों में से कई जवानों को ला। यू नो टुडे आज हम लोग देखने मांगते हैं कि शैतान का क्या षड्यंत्र है, शैतान का क्या योजना है, व्हाट इज सैटन स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर, फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। पहला चीज़, वो जवान लोग को पकड़ता है जो लोग यहूदा के थे, जो लोग इसराइल के थे। ही वॉन्ट्स द यूथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही डज नॉट वॉन्ट द प्रेजेंट पास्टर्स एंड द प्रेजेंट, नहीं ही वॉन्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन, ही वॉन्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन। जो हाथ से निकल गया वो निकल गया, लेकिन ही वॉन्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन, जो लोग अभी भी एक खाली एक सफ़ेद कागज़ जैसा है जिसपे वो लिख सकता है, जिसपे वो अपना छाप, अपना मोहर छोड़ सकता है। ऑब्वियसली वो दूसरों के द्वारा ये करता है। नेक्स्ट वर्स, तो वो जवानों को बोल रहा है इकट्ठा करने के लिए, जो निर्दोष और सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, यानी कि और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ही इज लुकिंग फॉर यंग पीपल विथ पोटेंशियल, जिनमें क्षमता है कि वो लोग राज कर सके, जिनमें वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि वो लोग राज कर सके। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने और के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने का दिया जाए। इस प्रकार तीन वर्ष तक, इट वॉज एज इफ एक ग्रेजुएशन कोर्स चल रहा था 3 ईयर्स का, तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। और उनमें से ये लोग भी थे, दानियल था एंड ये लोग थे। ओके, राजा चाह रहा है कि ये लोग तैयार हो राज करने के लिए, उनको वो राजकुमार बनाने मांगता है। बेबीलोन का राजा ये जवान लोग को राजकुमार बनाने मांगता है। ओके, लेकिन अपने अपने तरीके से। ये लोग को अभी 3 साल वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब 3 साल के लिए उनको अभी ट्रेनिंग मिलेगा। इसके बारे हम लोग पिछले बार भी पढ़े। और क्या किस्म का ट्रेनिंग मिलेगा, वर्स फोर, क्या मैं उन लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, क्या मैं उनको शिक्षा मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो उन लोग का गुण था, लेकिन कसदियों की शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे, कसदियों की के शास्त्र और भाषा का शिक्षा दे। ओके, आप में से कितने लोग ये शब्द पहले सुने हैं, कसदी, कैल्डिया, द लर्निंग एंड द टंग ऑफ द कैल्डियंस। कितने लोग आप में से कैल्डिया के बारे बाइबल में पहले सुने हैं, कैल्डिया शब्द कहाँ पे आता है?
एनी गेसेस? कैल्डिया शब्द, ओके, कैल्डिया शब्द पहले उत्पत्ति का पुस्तक में आता है, ओके, शुरुआत में ही है, उत्पत्ति का 15:7, चैप्टर 15:7, और उसने उससे कहा कि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया। ये किसको बोला जा रहा है? जेनेसिस 15 में कौन था? एब्राहम, राइट। परमेश्वर एब्राहम को कहां से निकाले? कसदियों का उर से, उर ऑफ द चैल्डीज, वहां से उसको निकाला गया, तुझको इस देश का अधिकार दो, उस देश से उसको निकाला गया था। नाउ आपको सेटन का स्ट्रेटेजी क्या समझ आ रहा है? परमेश्वर अब्राहम को, जो विश्वासियों का मूल पिता था, द फादर ऑफ बिलीवर्स, उसको निकाला, परमेश्वर उसको कल्दियों का देश से निकाले। शैतान क्या कर रहा है? अब वही देश के जो जवान लोग हैं, डैनियल और बाकी जो यहूदी लोग हैं, उनके अंदर आप कसदियों का भाषा और शिक्षा को डालो। वो लोग संसार से तो बाहरी तौर से निकल गए हैं, लेकिन उनके अंदर में संसार को डालो, उनके अंदर में डालो, उनके मन के अंदर में डालो। आर यू गेटिंग इट? ये है शैतान का षड्यंत्र। यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मैं तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया हूं। आई हैव ब्रॉट यू आउट, आई एम द लॉर्ड दैट ब्रॉट यू आउट। ये जो शब्द है, ब्रॉट यू आउट, कॉल्ड आउट, बुलाए गए, बाहर बुलाए गए, यू नो, कॉल्ड आउट, जस्ट रैंडमली गेस कि यूनानी भाषा में ये कॉल्ड आउट का शब्द क्या है? ओके, फॉरगेट इट। जो कॉल्ड आउट शब्द है इन ग्रीक, इट इज एक्लीसिया। एक्लीसिया से कौन सा हिंदी शब्द हम लोग को मिलता है? कलीसिया। कलीसिया यानी कि वो लोग जो बाहर बुलाए गए हैं, और वही चुने लोग को शैतान क्या करेगा? अब उनके अंदर संसार डालेगा। और तुम उस, और क्यों क्यों ये लोग को 3 साल का ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है? तब बहुत बड़ा राज्य है, नेबुकदनेज़र अकेले राज नहीं कर सकता है, वो लोग को प्रिंसेस बनाया जाएगा, वो लोग राज करेंगे उसके द्वारा, उसके लिए, दे विल हैव डोमिनियन, वो लोग राज करेंगे। लाइक शैतान हमको राज करने देगा? आपको क्या लगता है, शैतान आपको राज करने देगा? मती का 4:8-9, 3 साल तक इनको सिखाया जाएगा। और यहां पे देखिए शैतान क्या बोलता है, फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यू थिंक शैतान को कोई प्रॉब्लम है आपका राज करने से? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ही इज सेइंग, तुमको राज करना है, यू वांट टू बी अ किंग, आई विल गिव यू द किंगडम, राज करो, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, एंड जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। डू यू रियलाइज कि जो जो आप एक्चुअली चाह रहे हैं इस दुनिया में, वो शैतान आपको चुटकी में दे सकता है। आप किसी का मन को चाह रहे हैं कि उसका मन आपकी ओर केंद्रित हो, आप पॉपुलैरिटी चाह रहे हैं, आप अपना क्लास में पॉपुलर होना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं, वो वाला राज्य, वो वाला राज्य मिल सकता है। यहाँ पे दिस प्लेस इन फ्रंट, वो वाला राज्य जो जहाँ पे भी आप अधिकार चाह रहे हैं, सेटन कैन गिव इट टू यू, शैतान दे सकता है। एंड यू जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, बस थोड़ा सा यहां वहां कॉम्प्रोमाइज करना है। सेटन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नाम मिले, शोहरत मिले, अधिकार मिले, राज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह को बोला बेसिकली, तुम राजा हो, तुमको राज करना है, हम दे देते हैं तुमको ये सब राज्य, हम तुम्हारा चाह को पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर बोले, यीशु मसीह बोले, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, हम राज करने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो आपके लिए वो राज्य आपका क्लासरूम हो, पॉपुलैरिटी हो, किसी का मन हो,
अटेंशन हो, पैसा हो, धन हो। शैतान बोल रहा है दूसरा से क्यों मदद मांग रहे हो, हम दे देंगे। अपने गुप्त डिज़ायर्स, जो भी आप लोग का गुप्त इच्छा है, योर सीक्रेट डिज़ायर्स, बी वेरी केयरफुल ऑफ इट, बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ योर सीक्रेट डिज़ायर्स फॉर पीपल्स अप्रिसिएशन, फॉर ऑनर। दोज आर द थिंग्स वी वॉन्ट, है कि नहीं, कि लोग मेरा आदर करें, लोग मुझे जानें, मेरा एक पहचान हो क्लासरूम में, मेरा एक पहचान हो कॉलेज में, मेरा एक पहचान हो चर्च में, मेरा एक पहचान हो क्रिश्चियंस के बीच में, यंग क्रिश्चियंस के बीच में, जवान लोगों के बीच में मेरा भी एक पहचान हो। बी वेरी केयरफुल ऑफ योर सीक्रेट डिज़ायर्स। शैतान का एक तो बहुत बड़ा सा केस फाइल है हर एक के लिए, वो हर एक का डिज़ायर को जानता है। ही नोज अगर आप कल रात एक घंटा या आधा घंटा कोई लेटेस्ट बाइक का स्पेसिफिकेशन या कोई लेटेस्ट फ़ोन का स्पेसिफिकेशन अपना फ़ोन में चेक कर रहे थे, ही नोज योर सीक्रेट डिज़ायर्स। उसको मालूम है हर एक वेबसाइट जो तुम लोग विजिट किए हो, ही नोज योर सीक्रेट डिज़ायर्स। चर्च में ऑब्वियसली यू हैव नॉट विजिटेड दोज साइट्स, चर्च में यू आर नॉट चैटिंग विद दोज पीपल, चर्च में यू आर नॉट चेकिंग देयर प्रोफाइल्स, चर्च में आप किसी को स्टॉक नहीं कर रहे थे, लेकिन गुप्त में इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, शैतान उसको एक कागज में लिख के अपना केस फाइल में डाल दिया। एंड ही सेज, अच्छा ये है इसका डिज़ायर, हम वही डिज़ायर से उसको टेम्प्ट करेंगे, वही डिज़ायर से इसको हम परीक्षा में लाएंगे। वॉट एवर योर डिज़ायर इज, इवन इफ योर डिज़ायर इज टू बी माइटिली यूज्ड बाय गॉड टू बिकम अ पास्टर, वॉट एवर योर डिज़ायर इज, बट दैट इज अ गुड डिज़ायर। हाँ, शैतान से बुरा डिज़ायर के साथ यीशु मसीह को क्या बोला कि तुम व्यभिचार करो, यीशु मसीह को क्या ऐसा परखा? नहीं, ये पत्थर को रोटी में बदल दो। आपको क्या लगता है शैतान आके बोलेगा व्यभिचार करो, हत्या करो? हाँ, वो सब कोई दुष्ट आत्मा उसके लिए भी एक्टिवेटेड है, लेकिन वो और भी सिंपल सिंपल छोटा छोटा चीज़ के साथ आके अटेम्प्ट करेगा, जो देखने में अच्छा है, जो देखने में भला है। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हम अपना इच्छा पे चल रहे हैं या हम रुके हुए कि परमेश्वर आप बताइए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दाऊद का मन में था हम परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे, परमेश्वर बोले नहीं दाऊद तुम नहीं बनाओगे, और वो परमेश्वर का आज्ञा माना और बोला ठीक है प्रभु हम नहीं बनाएंगे, और प्रभु बोला तुम्हारा बेटा बनाएगा, ठीक है प्रभु वो बनाएगा हम नहीं बनाएंगे। क्या गलत डिज़ायर है प्रभु के लिए भवन बनाना? नहीं, लेकिन अगर प्रभु नहीं बोले और आप बना दिए तो गलत। द प्रॉब्लम इज नॉट गुड डिज़ायर और बैड डिज़ायर, द प्रॉब्लम इज माई विल, मेरा इच्छा, क्योंकि परमेश्वर राजा बनना चाहता है हम लोग के जीवन में। और जो बैबिलोन का राजा है वो बोले हाँ तुमको राज करना है करो, आई जस्ट डोंट वॉन्ट जीसस टू रेन इन योर लाइफ। तुमको राज करना है, बड़ा मिनिस्ट्री बनना है, बड़ा पास्टर बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको बहुत इन्फ्लुएंशियल जो करना है करो, नो प्रॉब्लम, बस डोंट वेट फॉर गॉड्स विल, नो नीड टू हियर फ्रॉम गॉड, वो सब नहीं नहीं नहीं, आई विल गिव यू ऑल दैट। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, आई विल गिव यू दैट वर्स, पहला कुरिन्थियंस का आई थिंक इट्स चैप्टर 12, एक मिनट, दूसरा कोरिंथियंस का 11 का 14, 13 और 14, वर्स 14। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी ज्योति में स्वर्गदूत के रूप धारण करता है। नेक्स्ट वर्स, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यू नो यीशु मसीह किसको बोले कि तुम लोग शैतान के बच्चे हो? हाँ,
किसको बोले? व्यभिचारियों को नहीं बोले, जो रखेल वैश्या थे वो लोग को नहीं बोले, किसको बोले? फरीसी लोग को बोले। एंड हु आर द फरीसीज? वो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, वो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे, मतलब मेरा कैटेगरी। हु इज इन मोस्ट डेंजर टू बी कॉल्ड चाइल्ड ऑफ सैटन? मी, नॉट योर, मी। बिकॉज शैतान माहिर है, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन टेकिंग योर बेस्ट डिजायर्स एंड मेकिंग यू डू योर विल इन इट। यू डोंट वेट फॉर गॉड, नो नीड टू सबमिट टू गॉड। तुम्हारा डिजायर अच्छा है, करो करो बेटा, करो करो बेटी करो, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। अच्छा तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो सर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तब चीज सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुरू में कॉम्प्लिकेशन जरूरी है, क्योंकि हम लोग को लगता है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, और बहुत सारा एरिया है जो हम लोग के मन में अभी भी ग्रे है, और परमेश्वर वहाँ पे रोशनी डालने मांगता है और उसको भी सफ़ेद काला करने मांगते हैं हमारे लिए, ताकि हम लोग अंतर कर पाए। क्योंकि हम लोग को बहुत बार लगता है हम लोग बस रूप देख के चलते हैं, हम लोग बस रूप देख के न्याय करते हैं, और परमेश्वर बोलते हैं नहीं नहीं, आप फरीसियों का रूप को देखते तो कभी भी नहीं बोलते कि वो लोग शैतान के बच्चे हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह बोले कि तुम लोग को स्वर्ग जाना है, तुमको उससे बेहतर होना पड़ेगा। कैन यू बिलीव इट? अगर हम यहाँ पे बोले खड़ा हो कि यू वॉन्ट टू गो टू हेवन, बी बेटर देन मदर टेरेसा, हाउ विल यू फील? सी दिस इज अ रीओरिएंटेशन क्लास, बिकॉज आई नो यू आर जस्ट हर्ड कि एनी लाइफ स्टाइल इज ओके, जस्ट लव गॉड, डू वट एवर यू वॉन्ट इन द नेम ऑफ जीजस, ठीक है? बट लेट्स कम बैक टू द बाइबल। यीशु बोले यू नीड टू बी बेटर देन द फरीसीज। एनीबडी हियर बेटर देन मदर टेरेसा? थिंक ऑफ इट। हम लोग को तो लगता है कि कुछ भी चलेगा, बस वेयर योर क्रिश्चियन टी शर्ट, यू नो। बी वेरी केयरफुल अपने वो गुप्त इच्छा और गुप्त चाहत के बारे में, क्योंकि शैतान धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग को परीक्षा में लाएगा। एंड तुमको मालूम है कि शैतान का प्लान क्या है? शैतान का प्लान ये नहीं है कि तुमको व्यभिचार में गिराए। तो कौन गिराता है? नहीं, वो भी हम नहीं बोल रहे हैं, वो भी दुष्ट आत्मा लोग करेगा, और तुम्हारा खुद का शरीर भी वहाँ पर कमज़ोर होगा और गिरोगे, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, क्योंकि दाऊद भी व्यभिचार में गिरा और प्रभु उसको बचा सके। उसका मेन योजना क्या है? उसका मेन योजना ये है कि धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तुम लोग को कराए, ताकि तुम लोग का चर्च का जीवन गॉडली एल्डर्स के सामने, जो अच्छे चरवाहे हैं उनके सामने तुम लोग का जीवन, और उनके पीठ के पीछे तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा घर में जो जीवन है, वो धीरे धीरे और भी अलग होते जाएगा। दैट इज हिज गोल, कि यू लिव टू लाइव्स, एक इन फ्रंट ऑफ गुड गॉडली स्पिरिचुअल पीपल, एंड दूसरा उनके पीठ के पीछे। थोड़ा ये नहीं कि आप व्यभिचार करेंगे अपना पास्टर का पीठ के पीछे, नहीं नहीं नहीं, यू विल जस्ट लिव अ डबल लाइफ। सैटन वॉन्ट्स टू मेक यू अ हिपोक्रेट, दैट्स ऑल। शैतान का पूरा योजना ये है कि तुमको एक कपटी बनाए, एक एक्टर बनाए, कि यू विल कम टू चर्च एंड से प्रेज द लॉर्ड, शेक हैंड्स, डू ऑल दैट, एंड यू विल, यू नो, से ऑल द राइट थिंग्स, यू विल से ऑल द राइट थिंग्स, यू कैन जस्ट टर्न दैट नॉब, वो तब लॉक हो जाएगा, ओके। सो यू विल से ऑल द राइट थिंग्स चर्च में, टू योर पास्टर, टू गुड एल्डर्स, एंड you will show, church mein you will show ki you love God, you praise God, and your hands are clean, your pura haath utha ke worship kar rahe hain, you're dancing, bahut acha, and you show ki you're a good believer, but ghar mein there's no praise, ghar mein koi aaradhna nahi hai, ghar mein koi ghutna nahi ragad raha hai prabhu ke samne, ghar mein koi sach mein prabhu ke liye bhookha aur pyaasa nahi hai, ghar mein sab apna achcha pe chal raha hai, that's all what Satan wants, you live like a hypocrite एंड यू बी इन डिनाइल ऑफ इट, मतलब हमेशा ये इनकार करते जाए कि मेरा दो लाइफ है,
ये नहीं कि चर्च में आए और बोले लॉर्ड हमको आपका ज़रूरत है, आई एम अ हिपोक्रेट, देन सेटन हैज़ नॉट सक्सीडेड। अगर आप रेगुलरली प्रेयर कर रहे हैं और काउंसलिंग में जा रहे हैं और चरवाहा से बोल रहे हैं प्रभु कि पास्टर हमको मदद कीजिए, प्रभु हमको मदद कीजिए, हमको निकलना है ये कपटी जीवन से, शैतान आपकी ज़िंदगी में सफल नहीं हुआ। बिकॉज इफ यू नो यू आर अ हिपोक्रेट देन यू आर नॉट, बट इफ यू डोंट नो देन सैटन हैज सक्सीडेड। इफ यू आर प्रिटेंडिंग, अगर चर्च में, अगर आपका पास्टर्स के सामने इट इज अ लाइफ ऑफ प्रिटेंस, सैटन इज हैप्पी, ही हैज नो प्रॉब्लम। तब लिफ्ट योर हैंड्स, डांस, प्रेज गॉड, गाना लिखो, ये करो वो करो, जो करना है करो, प्रीच, गो फॉर इवेंजलिज्म, ही हैज नो प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है फरीसी लोग इवेंजलिज्म नहीं जाते थे? यीशु मसीह बोले तुम लोग समुंदर पार करके एक व्यक्ति को यहूदी बनाते हो, लेकिन वो भी नरक का बच्चा बन जाता है, वो भी शैतान का बच्चा बन जाता है। हिपोक्रिट कैन ओनली प्रोड्यूस हिपोक्रिट्स। भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आप ही अपने आप से पूछिए, हैज सैटन सक्सीडेड? शायद आप डर रहे थे हमको व्यभिचार नहीं करना, हमको अपना फ्रेंड्स के साथ शराब नहीं पीना, आई डोंट हैव टू बी अ ड्रग एडिक्ट, एंड हम लोग को लग रहा था क्लास में बाकी लोग से आई एम बेटर, क्योंकि आई डोंट डू ड्रग्स एंड आई एम स्टिल अ वर्जिन, आई हैव नॉट हैड सेक्स, आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम वो सब गंदा चीज़ नहीं करते हैं, बट यू आर प्राउड ऑफ बींग गुड, यू थिंक यू आर बेटर, आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए क्या मर है? सैटन है सक्सीडेड, शैतान सफल हुआ है। क्यों? वो कल्दियों का जो संसार और वो घमंड, वो पाप है, वो अंदर डाल दिया, वो अंदर डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये यहूदी लोग, ये यहूदी जवान लोग जो आए हैं, डैनियल और इसके और पूरा सब लोग जो आए हैं, वो लोग को वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? ही वॉन्ट्स टू मेक देम अ बेबीलोनियन जू, बाबिलोनियन यहूदी वो बनाने मांगता है। वॉट डज सैटन वॉन्ट टू मेक यू? अ वर्ल्डली क्रिश्चियन, चर्च में क्रिश्चियन, वर्ल्ड में वर्ल्ड, दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स, कार्नल क्रिश्चियन, दैट्स वॉट शैतान का वही अभिलाषा है, और अ प्राउड क्रिश्चियन, या तो एक प्राउड क्रिश्चियन बनाना चाहता है जिसको लगता है कि हाँ प्रभु को सच में बहुत ज़रूरत था कि उसके लिए मरे वो पापी जो व्यभिचार कर रहा है, लेकिन हम तो ड्रग्स नहीं करते हैं, हमको प्रभु बस बाइबल दे देते हैं, हम ठीक है, हम आज्ञा मान लेते हैं, हमको उतना ज़रूरत नहीं है। शैतान यही चाहता है, उसको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चर्च में कितने हम्बल हैं, जब तक कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर एल्डर नहीं है और उनके पीछे आप बाकी लोग जैसा मजाक, बाकी लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं, बाकी लोग जैसे संसारिक तरीका से व्यवहार कर रहे हैं वैसा आप भी कर रहे हैं पीठ पीछे, तब तक शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है चर्च में कोई जितना भी नम्र रहे। वर्स 7, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 7, तब खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, दानियल का नाम रखा, अर्थात दानियल के नाम रखे, अर्थात दानियल, हाँ, बेलतशस्सर, यानी कि बेलतशस्सर, ओके, बेलतशस्सर में ये जो शब्द है बेल, वो था वो विदेशी देवता का नाम। ही वॉज ट्राइंग टू मेक दानियल इंटू, तुम देखो यहूदियों के बीच में तुम्हारा नाम दानियल रहेगा और संसार के बीच में तुम्हारा दूसरा नाम रहेगा, संसार के बीच में तुम्हारा दूसरा नाम रहेगा। वो दानियल को एक हिपोक्रिट बनाने की कोशिश कर रहा था जो दो जीवन जीता है, संसार में क्या आपका एक दूसरा नाम है, एक दूसरा पहचान है, चर्च में कितना बहुत ही अच्छी सिस्टर है, बहुत ही अच्छा ब्रदर है, एंड इन योर क्लास यू आर द कूलेस्ट,
You're the smartest. You're the most stylish. What is your name in the world? What is your name in the world? Sansar mein kya naam? Agar tum is sansar mein, problem kya hai worldly Christians ka, jab shaitan unki zindagi mein safal ho gaya hai, tab wo log sansar mein bhi aadar aur mahima chahte hain aur parmeshwar ke samne bhi aadar aur mahima chahte hain. Ye nahi ki wo log parmeshwar ka aadar mahima nahi chahte hain, zarur wo bhi chahte hain, lekin dono jagah se chahte hain. Prabhu ka bhi chahiye, sansar ka bhi chahiye. Luke ka 16 ka 15. तुम तो मनुष्य के सामने, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है. जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है. यानी कि इफ यू वॉन्ट टू बी बिग इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू वॉन्ट टू बी द शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड एंड द रतन टाटा एंड ऑल दैट स्टूपिड जैज, इन फ्रंट ऑफ गॉड यू आर प्रभु के सामने घृणित. दोनों नहीं हो सकता है. मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं. दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता. अगर आपके अंदर सीक्रेट डिजायर्स है कि यस लॉर्ड हम आपके सामने भी महान होना चाहते हैं, लेकिन मेरा क्लास में भी, मेरा क्लास में भी, तब सच में आप विश्वास नहीं किया. तब सच में यीशु मसीह आपको अभी भी संसारिकता से बचा नहीं पाया. अभी भी यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ नहीं बनाया. इफ मिनिस्ट्री वो चीज है, या इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पास्टर और अ मिनिस्टर और व्हाटएवर योर ड्रीम टू सर्व गॉड या वर्शिप लीडर, अगर वो चीज है जो आपको एक्चुअली कंप्लीट करता है आपका लाइफ में, then you have not believed. तब तुम विश्वास किए ही नहीं हो. क्योंकि जो विश्वासी है उसके लिए यीशु मसीह काफी है. उसको मिनिस्ट्री का जरूरत नहीं है आनंद के लिए. उसको मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री के लिए वो भूखा और प्यासा नहीं है. पॉलुस को देखो, वो जेल में है और बोलता है आनंदित रहो. भाई तुम्हारा मिनिस्ट्री बंद हो गया है, कैसे बोल सकते हो आनंदित रहो? क्योंकि मेरा परिपूर्णता मिनिस्ट्री से नहीं आता है, यीशु मसीह का क्रूस से आता है, यीशु मसीह से आता है. पौलुस तुम मर रहे हो, टिमथी को क्या खत लिखे? हम टिमथी को लिखे, सुनो बहुत ठंडा है टिमथी, प्लीज मेरा एक ठो जैकेट भेज देना, कोट मेरा एक ठो भेज देना और मेरा किताब सब भेज देना, किताब सब. और वो बोल रहे हैं हम मरने वाले हैं. पौलुस, मरने के पहले तुम क्या करने मांगते हो? हम पढ़ने मांगते, हम प्रभु के बारे और जानने मांगते हैं. दैट्स इट. वो नहीं बोल रहा है आओ लड़ो मेरे लिए, सब मसीही लोग को लिखो, रैली निकालो मेरे लिए रास्ता पे गवर्नमेंट के खिलाफ. हम लोग ये नहीं सहेंगे जो क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा, हम लोग ये नहीं सहेंगे. आई टेल पास्टर्स, जब वो लोग बोलते हैं आप रैली ज्वाइन कीजिए, हम बोले पहले दिखा दीजिए नए नियम में कहां हम लोग को ये करना है और हम ज्वाइन करेंगे. हम लोग जो समय हम लोग को प्रेयर में बिताना चाहिए, वो 4-6 घंटा हम लोग टायर जला रहे हैं, बड़ा बड़ा प्लैकार्ड और ये सब क्या क्या निकाल रहे हैं. परमेश्वर बोले कि हमारा जो आत्मिक हथियार है ना, हमारा जो हथियार है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है. पर हम लोग वी आर डिपेंडिंग ऑन मैन्स मेथड्स, नॉट स्पिरिचुअल मेथड्स. एंड ये जो बुद्धि जो काम कर रहा है वो संसारिक है, वो परमेश्वर का नहीं है. परमेश्वर का बुद्धि बोलेगा आत्मिक चीज़ों पे डिपेंड करो, पवित्र आत्मा, उपवास, प्रार्थना, ये करो. नहीं, वो नहीं होगा प्रभु. आप बोलिए 4 किलोमीटर पार्लियामेंट के सामने चलने, हम चलेंगे प्रभु. बोलिए पूरा दिन वहाँ पे हम बैठे रहेंगे, नारा लगेंगे, हाँ प्रभु हम करने के लिए. वो तो संसारिक लोग भी करते हैं. लेकिन स्वर्ग का फाटक के सामने कौन नारा लगाएगा? स्वर्ग का फाटक को कौन पकड़ के हिलाएगा? वो तो संसारिक लोग नहीं कर सकते. वो इजाजत तो हमें दिया गया है, वो कोई नहीं कर रहा है. वाई वी आर टू बिजी ऑन द रोड्स.
हमारा हथियार आत्मिक है, हमारा हथियार ऊंचे गढ़ों को ढा देने के लिए महान है, सामर्थ्य है। क्या हमें यह मालूम?